नमस्कार दोस्तों, वीडियो भंडार यूट्यूब में आपका स्वागत है। ये वीर प्रताप ट्रैक्टर है, 1994 का मॉडल है और ये रोहतास जी इस ट्रैक्टर के ओनर हैं। इस वीडियो के अंदर इस ट्रैक्टर की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दिखाऊंगा आपको और जितना जहाँ तक है मेरे को बताऊंगा अभी। इंजन इसका 65 HP का है। 65 HP का है। अच्छा, 65 HP का इंजन है और ये रशियन पंप के साथ फुल्ली ट्रैक्टर ओरिजिनल है, बिल्कुल एकदम जेन्युइन ट्रैक्टर कहते हैं। कितने घंटे चला होगा लगातार ये कंटिन्यू, आपने ध्यान दिया हो तो? ये ज्यादा ज्यादा 2000 घंटे चला हुआ होगा। अच्छा, ज्यादा ज्यादा 2000 घंटे। डीजल पंप है ना, जैसे कंपनी की सील आती है, सील लगी हुई है, ये वो कंपनी की सील लगी हुई है आज तक की, बिल्कुल प्रॉपर ट्रैक्टर, फुल्ली ओरिजिनल, बिल्कुल एकदम दमदार ट्रैक्टर है पूरा पूरा। और सेल के लिए नहीं है ये, अपना इंजन ऑयल फिल्टर के साथ में पूरा ओरिजिनल ट्रैक्टर के साथ में, अपना डीजल, ये डीजल ऑयल फिल्टर, डीजल ऑयल फिल्टर, दो ये फिल्टर है, ये भी डीजल ऑयल। अच्छा, ये भी डीजल ऑयल फिल्टर है। अच्छा, ये भी डीजल ऑयल फिल्टर है भाई, ये भी डीजल ऑयल फिल्टर है और ये भी डीजल ऑयल फिल्टर है, सारे डीजल ऑयल फिल्टर है जिसमें। काफ़ी अच्छा, एकदम यूनिक, फुली ट्रैक्टर ओरिजिनल है। हेडलाइट से लेके इंडिकेटर वगैरह सब कुछ साथ का ही, इसमें मुडगार्ड वगैरह कंपनी से ही मुडगार्ड है। और जो फ्रंट टायर है इसका 650/20 का है। ये फ्रंट एक्सल देख लो, सोकर सिस्टम है क्या इसमें? नहीं। अच्छा, सोकर सिस्टम नहीं है, लुब्रिकेशन के लिए अलग से पॉइंट दिया इसमें ये अपना। और पावर स्टेयरिंग के साथ में आगे एक्स्ट्रा वेट दिया है। ये कितने केजी की प्लेट होगी? है 2 क्विंटल के वेट आगे, हालांकि ट्रैक्टर पूरा वेट है वो बैलेंस कर रखा है। ये फ्रंट लुक और आगे यहाँ पर जाली में ये पाइपें लगा रखी हैं जो कि इंजन ऑयल को ठंडा करने के लिए। रेडिएटर के आगे एक ऑयल का रेडिएटर है ये। अच्छा, वो इंजन ऑयल का रेडिएटर है। और ये अपना फ्रंट एक्सल जो कि एडजस्ट कर सकते हो आप, ये अपना इंडिकेटर वगैरह साथ के। इधर अपना ये लिफ्ट पंप, वही आप लगाना यूज करना चाहते हो आप इसको गियर से यूज कर सकते हो। ये सलफ ऑयल वाला एयर क्लीनर के साथ में है, ये विदाउट टर्बो है, ये विदाउट टर्बो है, ये इंजन ऑयल फिल्टर है, फिल्टर है इसका। जो इंजन ऑयल फिल्टर है वो भी साफ करने वाला है, चेंज करने वाला नहीं है। अच्छा, साफ करने वाला, चेंज करने वाला है। ठीक ठीक, ये इधर अपना कोई भी डोजर वगैरह लगाना चाहते हो आप यहाँ से लगा सकते हो। हाँ, लोडर डोजर, ये बैटरी बॉक्स, 2 बैटरी बॉक्स आती है इसके अंदर। ये बैटरी बॉक्स तक कवर है ना, ओरिजिनल है ये, साथ में ऊपर चढ़ने के लिए फ्लैट प्लेटफॉर्म के साथ में है। और इस ट्रैक्टर के अंदर सबसे बड़ी फैसिलिटी एक और है, स्टीयरिंग भी एडजस्ट कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग, आगे ऊपर नीचे आगे पीछे आपको दिखाऊंगा। जैसे ऊपर चढ़ने के लिए हैंडल, इधर अपना ये प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म के साथ में है ट्रैक्टर। ये क्लच होगी और ये इधर अपना पीटीओ लीवर और ये डिफरेंशियल लॉक, रिवर्स पीटीओ भी इसके अंदर। ये बताना एक बार आप इधर आओ, ये बताओ ये क्या चीज़ है। तो ये अपना स्टेयरिंग है, ये यहाँ पे एक ये दिया है, एक लीवर दिया है, इससे आप अपने स्टेयरिंग को ऊपर नीचे कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो। और ये क्या चीज़ है, ये आपने ध्यान दिया हो तो कभी? ये स्विच है अंदर से, जैसे मान ले ये मीटरों की लाइटें बंद करनी हो तो इससे बंद करते। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मीटर की लाइट वगैरह बंद करने के लिए है, जैसे रात ना काम कर रहे हो आप या फिर कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम बंद करने के लिए। अच्छा अच्छा, ये भाई मीटर वगैरह ओरिजिनल मीटर के साथ में है, 2500 इंजन रेटेड RPM के साथ में है, 2500 RPM के साथ में। ये अपना फ्यूज बॉक्स, की बॉक्स, हेडलाइट वगैरह ऑन करने, गियर लीवर है ये, ये 5+ आइलो मीडियम है। इसी एक ही लीवर में आइलो है, इसी में और। अच्छा अच्छा, ये यहाँ तो आप कौन सा चाहो ऐसा लगा सकते हैं। ये इसके गियर ऑप्शन लिखे भी हुए इसके ऊपर, मेड इन रशियन ट्रैक्टर है पूरा। हाँ। ये क्या लीवर है जी ये साथ में, ये वाला छोटा लीवर क्या था? जो गियर लीवर के साथ में जो छोटा ऑप्शन है। अच्छा, डबल क्लच यूज करनी हो तो? डबल क्लच यूज करनी हो तो। अच्छा अच्छा अच्छा, ये डबल क्लच का अलग से स्पेशल लीवर दिया है। हाँ। ना तो सिंगल क्लच यूज होती रही, डबल क्लच के लिए अलग से लीवर दिया है इसमें। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ब्रेक अपने सिंपल ब्रेक में, ड्रम ब्रेक में होगा ये। और ये अपना लिफ्ट के लिए ये अलग से लीवर दिया है यहाँ पे। और ये हाइड्रोलिक, अगर आप जैसे आगे डोजर वगैरह लगाना चाहते हो, लोडर वगैरह लगाना चाहते हो, तो उनमें उस टाइम पे ये यूज कर सकते हो। इधर ये अपना लिफ्ट के लिए में चलानी है तो ये लीवर है। अच्छा अच्छा, कंट्रोल में अगर लिफ्ट चलानी है, हाँ कंट्रोल में चलानी है तो ये वाला लीवर यूज करो। हाँ। और नॉर्मल चलानी है तो ये वाला लीवर यूज करो। और ये अपना रेस होगी हाथ वाली, इससे आप अपनी रेस जितनी देना चाहते हो आप रेस ले। ये हैंड ब्रेक होगा साथ में इसके, और ये पैर वाली रेस ये यहाँ पर होगी। फुल्ली ट्रैक्टर ओरिजिनल, बिल्कुल एकदम काफ़ी शानदार। और टूल बॉक्स भी दिया है साथ में, ये अपना इसके अंदर टूल बॉक्स है, कंपनी है, मेड इन रशियन ट्रैक्टर है।
फुल्ली ओरिजिनल, सीट भी साथ की ही है, काफ़ी स्पेस है ट्रैक्टर के अंदर, ये साथ की सीट के साथ में है ट्रैक्टर, एडजस्ट कर सकते हो सीट को आप यहाँ से भी और यहाँ से भी, दो जगह से एडजस्ट कर सकते हो। इसमें एसी कैबिन बड़ा अच्छा लग जाएगा जल्दी। हाँ और जो बैक टायर है ये 13.638 का है, नहीं पूरा प्लेटफॉर्म फिट है यार बिल्कुल, इसमें बस कुछ नहीं बाहर का फ्रेम लगाया है, एसी लग जाएगा इसके अंदर। और जो इसका कैबिन है वो भी गुट के ऊपर रखा हुआ है, रबड़ के गुट के हैं ताकि कम से कम वाइब्रेशन ट्रैक्टर के अंदर ड्राइवर के पास पहुँचे। और इसके लिफ्ट ऑप्शन काफ़ी ज़बरदस्त लिफ्ट दी गई है, ये आप देख सकते हो, यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जहाँ पे जोन सी सेंसिंग कितनी ऊपर उठानी है या नीचे रखनी है, सारी चीज़ें इसके अंदर हैं लिफ्ट की। और ये अपना हाइड्रोलिक जैक दिया इसका, और सबसे बड़ी क्वालिटी ये है इसके अंदर ऑटोमेटिक लिफ्ट है, आप डेप्थ ड्राफ्ट गहराई सारी चीज़ें सेट कर सकते हो ऑटोमेटिक सेंसिंग के साथ में, अलग से पंप दिया है ये यहाँ से आप लोग लगा सकते हो इसको ऐसे करके ऊपर नीचे, इसको डिसेबल और एनेबल दोनों काम कर सकते हो आप, चाहते हो जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, क्योंकि अब ये डिसेबल हो गई है ये रोड, जैसे यहाँ पर लगी हुई है रोड ये रही, इसे टॉप लिंक से कनेक्ट है यहाँ से, अगर ये यहाँ से कनेक्ट हो गए इधर गई है रोड, ये आ गई इसके साथ ये कनेक्शन है, अब ये निकाल दिया और इसको अगर हम चाहें तो ऐसे करके इसको लगाओ तो अभी ये सेंसिंग ऑन होगी। और ये आपने एक बार जो भी डेप्थ वगैरह कैसे डिसाइड कर दिया, अगर सेंसिंग ऑफ करके आपने कोई एक बार डेप्थ, जैसे एक फुट आपको डेप्थ गहराई चाहिए या 6 इंच गहराई चाहिए, तो आप उस पे लिफ्ट को ले जाके और इसको लॉक लगा सकते हो यहाँ से, और लॉक लगाने के बाद ये उसी पॉइंट पर काम करेगी पूरी लिफ्ट सेंसिंग। और जो लिफ्ट लॉक है वो यहाँ पे दिया है इसका जैक को, हाइड्रोलिक लॉक को जैक कर सकते हो, लॉक कर सकते हो, उसके बाद एक और लॉक दिया अलग से, बाई चांसेस आपने ट्रैक्टर खड़ा करना लॉन्ग टर्म के लिए तो आप इससे रोड से आप इसको लगा दो, पूरे ट्रैक्टर का ऑयल प्रेशर वगैरह लीक हो या कहीं कुछ भी कोई प्रॉब्लम ना तो आएगी, और ऑटोमेटिक इसके साथ ही लिफ्ट डेप्थ कंट्रोल मतलब लॉक लग जाएगा, लिफ्ट नीचे नहीं जाएगी जहाँ पर एडजस्ट सेट होगी, सेट हो गई बस वहाँ। ये अपना स्ट्रो बार आप इनको एडजस्ट कर सकते हो, फुल्ली ओरिजिनल ये हुक वगैरह साथ की हैं सारी चीज़ें, ये स्टेबलाइजर पूरी काफ़ी सेंसिंग दी, आप जहाँ चाहो वैसे एडजस्ट कर सकते हो इसको, लिफ्ट कैपेसिटी का की लिमिट आप बढ़ा घटा सकते हो क्योंकि हाइड्रोलिक जैक लगा हुआ है इसकी, कोई जैसे आप जितना प्रेशर डालोगे उस हिसाब से आप बढ़ा घटा सकते हो। ट्रॉली के लिए अलग से दिया है, हैरो ट्रॉली वगैरह आप यूज करना लगाना चाहते हो ऐड करना चाहते हो वो ऐड कर सकते हो, और साथ में इसमें भी आप ट्रॉली वगैरह ऐड कर सकते हो। बैक एक्सल पूरा ऑयल में डूबे हुए बैक एक्सल के साथ में एक गियर बक्सा रसीन है, पता नहीं क्या क्या टेक्नोलॉजी इसके अंदर, और साथ में ये ड्रम ब्रेक के साथ में ट्रैक्टर है, वही अपने इंडिकेटर वगैरह फुल्ली ट्रैक्टर ओरिजिनल जो है इसमें ओरिजिनल है, साथ में आप यहाँ पे कोई शायद इलेक्ट्रॉनिक कोई भी इम्प्लीमेंट अगर एक्स्ट्रा कोई जैसे इम्प्लीमेंट के अंदर लाइट की ज़रूरत है तो आप यहाँ से लगा सकते हो इसको। ये अपना डीजल टैंक यहाँ दिया इसका रसीन ट्रैक्टर की तरह वही सेम, ये वीर प्रताप है साथ में ही, आप अगर अपने एक्सल को अंदर या बाहर सेट करना चाहते हो तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग नट लूज वगैरह करके। और ये पावर स्टेयरिंग के साथ में है, ये पावर स्टेयरिंग पंप यहाँ पे दिया इस ट्रैक्टर का, ये पूरा फुल्ली पावर स्टेयरिंग है, यहाँ से आप ऑटोमेटिक ये पावर वगैरह सारी चीज़ें सेट करेगा इसकी। इधर ये अपना ब्रेक पैडल, ये गेयर बक्सा और ये कुछ नंबर दिया है यहाँ पर, आप ये नंबर देख सकते हो, इनसे कुछ आदमी इनसे पता लगा लेते हैं कैसे कौन सा गियर बक्सा कैसा क्या है। इधर ही अपना जो कैबिन है, जो ये पूरा प्लेटफॉर्म है ड्राइवर प्लेटफॉर्म, ये सारा गुट को साथ में है ताकि कम से कम गड्ढे लगे और वाइब्रेशन ट्रैक्टर कम से कम हो उसके, ड्राइवर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक ड्राइव कर सके ट्रैक्टर को। ये अपना बैटरी बॉक्स, इधर फिल्टर वगैरह सलब, फुल्ली ट्रैक्टर ओरिजिनल है एकदम, पूरा ट्रैक्टर ओरिजिनल वीर प्रताप 1994 का मॉडल है ये। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, शेयर करना, थैंक यू।